नमस्कार, मैं राजकुमार शाह। ईटीवी भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेंगे। बात करें ज़िले की तो कई यहां पे समस्याएं हैं। प्रदूषण का प्रमुख मुद्दा है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड है, पानी है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग है, कई तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं। तो आज हमारे साथ कोरबा ज़िले के नागरिक मौजूद हैं, आमो खास लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की जन अपेक्षाएं हैं इस बजट को लेकर। क्या आप चाहते हैं कि ज़िले में किस तरह का जो है विकास होना चाहिए? भैया, वो बजट में हमारी रोड का और प्रदूषण का मेन होना चाहिए। बजट में मजदूर और किसान की, जो मजदूर और किसान जो लूज रहे हैं, जो आज की डेट में किसानों का जो धान खरीदी हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में, वो बहुत पहले जो 2500 बोला गया था क्विंटल हम खरीदेंगे, बाकी हम तो यही बोलेंगे कि जब 1 तारीख का बजट आएगा तो किसानों का 2500 का रेट मिलना चाहिए और मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है उसको बढ़ाना चाहिए। मेरा यही है बजट के लिए। मजदूर और किसान ही देश को चला रहा है और जो यहाँ मजदूरों का जो पढ़े लिखे इंजीनियर लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, मेरा ये सरकार से निवेदन है कि वो कहीं उनको रोजगार देने का कष्ट करें। पढ़े लिखे बेरोजगारों को भी रोजगार देने का मामला है। सर, आप बताइए कि ज़िले में जो प्रदूषण का जो स्तर है, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप, बजट से क्या अपेक्षा है? ज़िले में प्रदूषण का है तो उसमें तो ये तो उसको पूरा नियंत्रित करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इस तरह इस और प्रदूषण के उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियां हैं और प्रदूषण जिनके पास पैसा है वो तो इलाज करा ले रहे हैं। जो अब बेचारा आम मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, कारखाने का काम करने वाला मजदूर है, वो अगर किसी को बड़ी बीमारी हो जा रही है तो वो बेचारा फिर कहाँ इलाज नहीं करा पाता और उसको अपनी जान देना ही पड़ता है, जान गंवाना ही पड़ता है। हेल्थ से आपका सेक्टर से मेन उम्मीद है, मतलब कि हेल्थ सेक्टर में काम होना चाहिए, बजट उस तरह से घोषणा होना चाहिए, है ना? सर, आप बताइए किस तरह से बजट से उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से विकास होना चाहिए जिले का? अब जैसे छत्तीसगढ़ में जिस जो बजट मतलब हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा होगा, तो हमारे हिसाब से तो मतलब एक जनता के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में, मतलब उनका जो बजट है होना चाहिए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मतलब ये एक मतलब गंभीरता से मतलब लेना चाहिए। कोरोना काल था, उसके बाद स्वास्थ्य का थोड़ा सा डगमगाया थी। आप बताइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह के बजट हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट 1 तारीख को अच्छी होना चाहिए और जो अभी जितना कोरबा जिले में उद्योग हैं उसमें क्षेत्रीय युवा बेरोजगार को नौकरी मिलना चाहिए और किसान के साथ जो हो रहा है उसमें वो कानून को बंद करना चाहिए और उनको सही न्याय मिलना चाहिए। कानून का भी जो मामला है वो भी बजट में आप चाह रहे हैं शामिल हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना चाहिए, है ना, जो भी है। चलिए, जो सड़कों का जो मामला है, सड़क से भी हम लोग ख़राब सड़क से भी दिन भर जूझते रहते हैं ज़िले में, जो ख़राब, आप बताइए सड़कों का जो मामला है ज़िले में उसमें किस तरह से काम होना चाहिए, बजट में क्या अपेक्षा करते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि सड़क का जो इतना टूटी फूटी सड़कें हैं उसको मरम्मत कराई जाए और जहाँ तक सके अच्छी सुंदर सड़कें बनाई जाए ताकि किसानों मजदूरों को कोई असुविधा ना हो, यही कह सकते हैं बस। सड़कों का जो है विस्तार होना चाहिए बढ़िया तरीके से, है ना? आप बताइए सड़कों का जो भैया, वो ये बजट में जो कोरोना काल में जो राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में जो बेरोजगार हुए हैं उनको कुछ भत्ता मिलना चाहिए। जो नौकरी पेशा में थे तब पर भी वो फंसे हुए रह गए कोरोना काल में, और जो कोरोना में थे वो जो पकड़ाए हुए थे उनको दवाई तो हुआ, बाकी उनका जो भत्ता मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। वो सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए, भत्ते का भी प्रावधान करना चाहिए। जो नहीं मिल पाया कोरोना काल में, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी इंतजाम रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं बजट से किस तरह का विकास होना चाहिए? देखिए सर, बजट से हम यही चाहते हैं, हमारा जो मानना है कि मजदूर और किसान दो ही देश को चलाने वाले हैं और दो ही से मतलब विकास होता है देश का, दो किसान और मजदूर दोनों को इनको बजट में लाना चाहिए, दोनों को मतलब दोनों के समर्थन में आना चाहिए, किसान और मजदूर के समर्थन में ही होना चाहिए बजट, है ना? चलिए, और भी कुछ साथी हमारे साथ हैं, आप बताइए किस तरह से आप उम्मीद रखते हैं बजट से, क्या अपेक्षाएं हैं? यही है कि किसान मजदूर जो साथी भाई हैं
किसान भाई हैं, अपने खेती में काम करते हैं, लेकिन आपके लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी है सरकार में, लेकिन उन्हीं के लिए करते हैं जो सरकार में बैठे लोग हैं, सभी साथी भाई। और नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उन्हीं के लिए सब चीज़ यहाँ पे खेती में पैदा कर किया जाता है। हम मजदूर भाई हैं, सभी साथी लोग प्लांट में काम करते हैं, प्लांट में प्लांट तैयार भी किया जाता है, हम लोग मजदूरी करते हैं उन्हीं के लिए। प्लांट चालू होगा तो हम लोगों को भी रोजी रोटी मिलेगा, अच्छे से काम भी करेंगे, लेकिन हम लोगों का भी हक नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। यही चीज़ हम लोग जी मजदूरों का। आप बताइए, जो पेयजल की भी समस्या है जिले में, अभी भी हर घर में जो है नल से कनेक्शन से पानी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या सोचते हैं इस दिशा में कुछ काम होना चाहिए? बिल्कुल, प्रति घर में, हर घर में जल तो पहुंचना ही चाहिए। जिन घरों में नहीं पहुंच पाया उन घरों को पहले प्राथमिकता दिया है, और जिन घरों में पहुंच गया वहाँ पानी की समस्याएं भी हैं उनको भी सही करना चाहिए। बजट में इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर मजदूर के हर, क्योंकि श्रमिक बस्ती है वहाँ पर जल्दी पानी पहुंच नहीं पाता, जैसे कुछ गवर्नमेंट का आवास है वहाँ जब पहुँच पाता है, कुछ बड़े बड़े घर वहाँ जरूर पहुँच जाता है, लेकिन जो श्रमिक बस्तियाँ हैं वहाँ जल्दी नहीं पहुँच पाता। तो सरकार को जो श्रमिक बस्तियाँ हैं उनको, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो और एक नीचे से स्तर के लोगों को लेके एक ऊपर के स्तर के लोगों को बराबर करके चलना चाहिए। बराबर श्रमिक बस्तियां हैं वहां पे पेयजल की भी समस्या बरकरार है, पहुंच नहीं पाती है पानी। तो आप बताइए, आप भी श्रमिक बस्तियों से आते हैं, बस्तियों में किस तरह का विकास होना चाहिए, बजट से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जी, जैसा कि पिछले बार की बजट की तुलना की जाए तो पिछले बार में शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन इस बार जैसा कि कोविड के कारण जो परिस्थिति जो हुआ है अभी का, उस पे कहने का मतलब ये है कि जो सेवा क्षेत्र है और जो कंपनियां हैं, संयंत्र हैं, वहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया जाए। और कहने का मतलब है स्वास्थ्य पे भी किया गया था, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उस पे थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए ताकि आगे और छत्तीसगढ़ का विकास हो सके और छत्तीसगढ़ प्रगति की ओर और अग्रसर हो सके। छत्तीसगढ़ प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। तो आपको बता दूं कि ये एक ईटीवी का खास कार्यक्रम है, चौपाल एक तरह से हमने लगाई है, बजट को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं आम लोगों से, किस तरह की जन अपेक्षाएं हैं जो सीएम भूपेश बघेल पेश करने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ का बजट इसे लेकर किस तरह के लोग दृष्टिकोण रखते हैं, क्या चाहते हैं वो कि जिले का विकास किस तरह से होना चाहिए। आप बताइए, आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और बजट में किस तरह के प्रावधान करने चाहिए, क्या आपकी अपेक्षा है? छत्तीसगढ़ सरकार से आम जनता को यह भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार 1 मार्च को जो अपना बजट पेश करने जा रही है, जन भावनाओं को आदर करते हुए अपना बजट रखना चाहिए। आज हमारे देश और प्रदेश में जो समस्या है कि सबसे बड़ा समस्या है मजदूरों का, उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है, कानून का परिपालन नहीं हो रहा है, और यहाँ तक के सरकारी उद्योग में भी श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, उस पर सरकार को जोर देना चाहिए। दूसरा जो है कि यहाँ किसानों का बात है, किसानों का उनके खाद का कीमत बढ़ रहा है, बिजली की कीमत बढ़ रहा है, उसमें भी रियायत देना चाहिए। कर्ज माफ़ी तो किया है वो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो वायदा किया था चुनाव में उसको किया है। 2500 रुपया पर क्विंटल धान भी का कीमत दे रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर बेरोजगारी, हमारा छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की संख्या है वो भी यहाँ के जो हमारे देश का जो है उससे कहीं ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में है। बेरोजगारी की समस्या है वो अधिक है दूसरे जो प्रदेशों से, और उसके बारे से भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारा हेल्थ और शिक्षा, जो किसी भी राज्य का विकास के लिए हेल्थ और शिक्षा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर बजट में अलाट करना चाहिए। केंद्र सरकार ने तो ठीक से किया नहीं, अनदेखा कर दिया, क्योंकि बजट में हमने केंद्र सरकार के बजट को देखा है कि हायर एजुकेशन में जितना बजट है उसमें सिर्फ अमेरिका में हमारे देश के बच्चे लोग जो पढ़ने जाते हैं उनका खर्चा ज़्यादा होता है। मतलब टोटल अमेरिका में जो इस देश के लोग पढ़ने के लिए गए हैं उनका जो खर्चा जो होता है वहाँ पर, उससे हमारा जो शिक्षा का, उच्च शिक्षा का
पर जो सरकार ने बजट दिया है, केंद्र सरकार ने, वो निराशाजनक है। मैं सोचता हूँ कि हमारे राज्य सरकार को अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस पर स्वास्थ्य और शिक्षा पर पूरा विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने अपने अपने स्कूलों में, जैसा कि आ रहा है कि ऐसा रिजल्ट दिया है कि प्राइवेट स्कूल के लोग जो है वो शासकीय स्कूल में आ रहे हैं, पर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में शासकीय स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, और यहाँ मेडिकल जो है, मेडिकल में हम लोग देख रहे हैं कि इतना तेज़ी के साथ प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट डॉक्टरों का भीड़ लगा हुआ है, जहाँ आम लोगों को इलाज कराना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही जो सेक्टर हैं, इनको सुदृढ़ किया जाना चाहिए, लोग ऐसा मानते हैं। और भी कुछ साथी हमारे साथ हैं। सर, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, जो नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, इनके माध्यम जो संपत्ति कर वाला भी जो मामला है, कई तरह का बोझ लोगों पर होता है, गाहे बगाहे मांग उठती रहती है कि इन्हें भी कम किया जाना चाहिए, रिवाइज़ किया जाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? सर, बोला जाता है कि भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश है करके, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन सर, ऐसा है कि यहाँ के कर्मचारियों को, चाहे वो कृषि में करें या इंडस्ट्रियल बेल्ट में करें, उनको कृषि कानून के अनुसार उनको पेड़ नहीं मिलता है, उसमें बहुत दुखी है आदमी। अभी जैसे मुख्यमंत्री हमारे बजट पेश करेंगे, हम चाहेंगे कि कृषि के लिए और मजदूरों के लिए एक्यूरेट वो बजट में रखें, प्रावधान रखें, तो उनको श्रम कानून के अनुसार जैसे 427 रुपया पर हेड है पर डे का, उसको काट पीट का भी 150-200, कहीं कहीं 250 दिया जाता है, बहुत दुख की बात है। ये सब चीज़ सामान्य होनी चाहिए। प्लस अभी जो गोपालपुर में आयल टर्मिनल, छत्तीसगढ़ का मेन टर्मिनल है, वहाँ पर भी प्लांट बन के तैयार हो गई है, उसमें चाहिए कि लोकल के बच्चे, लोकल के पढ़े लिखे योग्य लड़कियों को वहाँ पर नौकरी दिया जाए और उसकी तनख्वाह को दिया जाए, जिससे हमारा एरिया डेवलप होने पावे। कोरबा बेल्ट में दिखेगा, पूरा कोरबा बेल्ट में इंडस्ट्रियल भरी हुई है, हर जगह दिखेगा, भर्रासाही ही है। चाहे किसी की भी सरकार रहे, बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे, हम किसी सरकार की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहते कि छुरी में सिर्फ एक डॉक्टर है, उसी डॉक्टर को 100 बेड में ड्यूटी दिया जाता है, उसी डॉक्टर को ये कटघोरा का स्वास्थ्य केंद्र में दिया जाता है, तो अकेले आदमी क्या करेगा। हर जगह आदमी की कमी है, स्कूल में दिखे टीचरों की कमी है, भर्ती नहीं हो रही है, डॉक्टर्स की कमी है, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से बजट पेश किया जाए, जिससे हर एक को फायदा होने पाए। थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं, और ये बजट से किस तरह के कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, आप बताइए कि बजट में किस तरह से आप अपेक्षा रखते हैं सरकार से? मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के, सबसे पहली बात तो शिक्षा पे ध्यान, और स्वास्थ्य और जो हमारे सड़कें हैं, वो सब को ध्यान में रख कर बजट पेश करें। और हमारे जो हम युवा लोग हैं, वो बहुत बेरोज़गार हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश करें, बस यही। चलिए, ख़ास तौर पे जो ज़िले में जो सड़कों का जो मामला है, और जिस तरह से जो पर्यावरण प्रदूषित लगातार हो रही है, स्थानीय बेरोज़गारों का मामला है, तो कुछ मजदूर किसान इस तरह के मुद्दे हैं, या प्रदूषण की बात हो, या इस तरह की जो मांग है, ये प्रमुख लोगों के जहन में जो है रची बसी हुई है कि पर्यावरण सुधार होना चाहिए, स्थानीय को बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए स्थानीय स्तर पर, और कई तरह के जो पानी का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, इस तरह के कामों को जो है प्राथमिकता सरकार को पूरा करना चाहिए।